नमस्कार मित्रों, गुजरात खेडूत यूट्यूब चैनल में तमारु स्वागत छे। राज्य में आगामी 5 दिवस हवामान विभाग द्वारा भारे थी अति भारे वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। आ साथे केटलाक विस्तार में वावाझोड़ानी पण असर थशे। मित्रों, हवामान विभाग द्वारा सौराष्ट्र, पूर्व अने मध्य गुजरात तेमज दक्षिण गुजरात में भारे थी अति भारे वरसाद पड़शे तेवी आगाही करवामां आवी छे। आ साथे थंडर स्टोरम एक्टिविटी ने कारण भारे पवन साथ वरसाद की संभावना छे। मित्रों, आजे अने आवनारा दिवसों में कया कया जिल्ला में भारे थी अति भारे वरसाद पड़शे तेने लईने आपणे आ वीडियो में संपूर्ण समाचार मेळवीशुं। तो वीडियो में आगळ वधीए ते पहेला तमे अमारी चेनल में नवा छो तो चेनल ने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन प्रेस करी लेजो, साथे वीडियो ने अंत सुधी जरूर जोजो। तो चलो मित्रों, आजनो आ वीडियो शुरू करिए। राज्य में भारे थी अति भारे वरसाद ने लईने आगाही करवामां आवी छे। आ साथे केटलाक विस्तार में वावाझोड़ानी पण असर थशे। मित्रों, वरसाद में थंडर स्टोरम की एक्टिविटी ने कारण भारे वरसाद पड़शे तेवी शक्यताओ पण दर्शाववामां आवी छे। आ साथे आजे राजकोट अने मोरबी में खूब ज भारे वरसाद पड़शे तेवी आगाही करवामां आवी छे। ज्यारे जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, गीर सोमनाथ, आणंद, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी अने डांग तेमज वलसाड में छूटाछवाया भारे वरसादनी आगाही हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी छे। हवामान विभागनी आगाही प्रमाणे सूरत अने नर्मदा में खूब ज भारे वरसाद पड़शे तेमज वडोदरा, भरूच, नर्मदा, तापी, वलसाड, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर आ तमाम विस्तार में सामान्यथी मध्यम प्रकारना वरसादी झापटा पड़शे तेवी आगाही हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी छे। आ साथे आजे केटलाक विस्तार में वरसादने लईने रेड एलर्ट लगाववामां आव्यु छे तो केटलाक विस्तार में वरसाद अंगे ओरेन्ज एलर्ट पण लगाववामां आव्यु छे। हवामान विभागनी आगाही प्रमाणे 13 सप्टेम्बरना रोज वडोदरा अने छोटाउदेपुरमां अति भारे वरसाद पड़शे तेवी आगाही करवामां आवी छे। ज्यारे અમદાવાદ, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ અને ભાવનગર તેમજ રાજકોટ સહિતના વિસ્તારમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડશે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પ્રેસ જરૂર